करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में सरकार की मंशा क्या रही है। आप बताइए सरकार की क्या मंशा है इस कटौती के बीच? सरकार का मंशा का सरकार अपन जेब भरा चाहती है और कहाँ मंशा है, या किसान का लूटा चाहती है सरकार का बस दिन भर का सरकार आखिरी है। जो डीजल की कीमतों में कटौती की गई है, 1.5 रुपए डीजल की कीमतों में और 2.5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट है हमारे जो हमेशा 10 रुपये बढ़ा के इस बार पर तमाचा ले गए तो इससे क्या संतुष्टि है? कभी 40 रुपये से होता 80 रुपये में हो जाता है, आप बढ़ा देते हैं ऐसे। हम काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? पब्लिक की जेब को खाली करवा रहे हैं। कुछ युवाओं से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। आप युवा हैं और आप भी पेट्रोल से जो गाड़ी आपकी चलती है वो पेट्रोल से ही चलती है, आपको कितनी मुसीबत पड़ी है पेट्रोल के लिए? अभी जो घट रहा है दाम, क्या उससे आप खुश हैं? अरे आप 80 में 85 में 75 में डीजल और पेट्रोल जो है 85 में 2 रुपया घटा के क्या हो। मेरे साथ डीलर शशि प्रकाश सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे इनके नज़रिए से ये प्राइस जो घटी है वो कितनी इफेक्टिव होगी जनता के लिए। आपके नज़र में ये जो प्राइस घटी है पेट्रोल डीजल की वो जनता के लिए कितने फ़ायदेमंद होगी? और क्योंकि दाम पे पैसा बढ़ रहे थे तो थोड़ा आक्रोश था किसानों में भी जनता में भी, घटा है तो जरूर उसका लाभ मिलेगा। आप एज अ डीलर कितना अज्यूम करते हैं कि और कम होना चाहिए ज़्यादा? कम तो ज़्यादा कम होना चाहिए, बहुत बढ़ गया, सीमा पार हो गया। इसका क्या फ़ायदा आने वाले चुनावों में सरकार के लिए? अपना बढ़ 20 रुपया 25 रुपया बढ़ के 2.5 रुपया घटेगा तो कोई ना फायदा होगा ना नुकसान ही होगा।